गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे और आपने वो दो यूनिट्स कंप्लीट कर ली होगी, दैट इज़ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स और एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। ये यूनिट आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स प्लस एसिड और थोड़े बहुत एसिड के डेरिवेटिव्स। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं बेटा, तो ज्योग्राफी में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं सेवन सिस्टर्स का, ज्योग्राफी में, पोल साइंस में। यहाँ पर भी हम सेवन सिस्टर कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एज़ फार एज़ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। ये यूनिट मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 मार्क्स की आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, ये एग्ज़ाम में आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस यूनिट को सीखना, ठीक है। और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने सेवन सिस्टर का कंसेप्ट दिया है, उसमें एल्डिहाइड नंबर 1, कीटोन नंबर 2, कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 3, एसिड क्लोराइड नंबर 4, अमाइड्स नंबर 5, एस्टर्स नंबर 6 और एसिड एनहाइड्राइड नंबर 7। दीज आर द सेवन सिस्टर्स, ये 7 चीज़ें हैं जिसमें से हमें डिटेल में जो चीज़ सीखनी है वो केवल ये 3 चीज़ें डिटेल में सीखनी है, बाकी मिसलिनियस है हमारे लिए। तो जो सी डबल बॉन्ड ओ हमारे पास ग्रुप है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज योर कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। और कार्बोनिल ग्रुप को ही हमें इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है, इस पूरे चैप्टर में सीखना है। चलिए अब हम आगे अगर देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ों की। जैसे एक स्ट्रक्चर दे रखा है वेनिलिन का, ये CBSE बोर्ड में 2015 में पूछा गया था। सैलिसिल्डिहाइड आपके पास पिछले चैप्टर के अंदर था जब आपने RTR रिएक्शन को सीखा था। ये होता है सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड में क्या है आपके पास, आप लोगे एक बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका 3-phenyl-prop-2-ene-1-al, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें एडहेसिव्स के अंदर मिलती है, पेंट्स में मिलती है, प्लास्टिक्स के अंदर, फैब्रिक के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर, क्योंकि जो एस्टर है, एस्टर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ परफ्यूम, तो वहाँ हमें मिलता है। तो हमें ये सारी चीज़ें सीखनी हैं। अब हम सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए इसके नॉमनक्लेचर पर बात करते हैं बेटा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर का बेसिक क्या कहता है, हम पहले उसके ऊपर बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कॉमन नेम बहुत कम आते हैं पेपर में, पूछे कम जाते हैं, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कॉमन नेम बेसिकली जो एल्डिहाइड और कीटोन के हैं, वो जहाँ से वो ऑप्टेन होते हैं, जहाँ से वो मिले हैं, ग्रीक नेमिंग से वहाँ से शुरू किए जाते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड है HCHO, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। मुझे ये चीज़ बताए कि मुझे इसका IUPAC नेम क्या देना है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेरे पास मिथेनल। एल्डिहाइड के लिए अल लगाता हूँ मैं, तो मिथेनल। ऐसे अगर मेरे पास दो कार्बन एटम है तो उसके लिए मैंने यूज़ कर लिया CH3CHO के लिए एसिटाल्डिहाइड। इसी का अगर IUPAC नेम मुझसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड इन अल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, थोड़ा सा ओपन अप करके लिखना चाहे तो, जब रिएक्शंस करेंगे तो इस तरीके से लिख दिया करेंगे। नेक्स्ट दिस इज बेंजाइल्डिहाइड। नाउ दिस इज दिस वन, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। इसके मैं दोनों नाम आपको बताता हूँ, इसका IUPAC नेम भी और कॉमन नेम जो लिखा है उसके पीछे का रीज़न भी। तो ध्यान से देखो यार, कितने कार्बन आइटम है, 1, 2, 3 और 4। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उससे अगले को बीटा, उससे अगले को गामा। तो अब इसका नाम देखो ध्यान से, इसने क्या दिया है, ये अल्फा है और ये कौन सी पोजीशन, गामा, बीटा, और अगली कौन सी है, गामा। तो बीटा पोजीशन पर ब्रोमो, 4 कार्बन एटम लगा रखे हैं, तो ब्यूटायर और एल्डिहाइड। अगर कॉमन नेम में बात करेंगे तो हम सीधा एल्डिहाइड लिख देंगे, तो इसका नाम हो गया बीटा ब्रोमो ब्यूटायर एल्डिहाइड। जबकि अगर मैं इसी कंपाउंड का IUPAC नेम देना चाहूँ तो मेरी काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, 1, 2, 3 और 4,
फंक्शनल ग्रुप के पास अगर कार्बन होता है तो प्रायोरिटी यहीं से दी जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3-bromo-butanol, 3-bromo-butanol, राइट। आगे देखते हैं बच्चा जी, अब अगर हम आगे देखें तो इसी तरीके से हम कीटोन पर भी ये बात कर सकते हैं। कीटोन के लिए क्या है, कीटोन का सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा, दोनों तरफ आर ग्रुप होना चाहिए, तो मिनिमम ये हो सकता है, दिस इज नथिंग बट एसीटोन, एसीटोन होगा। एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। एसीटोफिनोन ये देखो भाई, सबसे पहले फिनोन बना दो, एसिड ग्रुप कब लगता, जब यहाँ सी एस सी लग जाता, और फिनोन मतलब बेंजीन की रिंग, तो दिस इज कॉल्ड एज योर एसीटोफिनोन। अगर मुझे बेंजोफिनोन बनाना होता, बेंजोफिनोन, तो मैं क्या करता, वही एक कीटोन लेता, एक बेंजीन रिंग इधर और एक बेंजीन रिंग इधर, ये मेरा बेंजोफिनोन बन जाता। अब इसने कहा प्रोपियोफिनोन, तो प्रोपियोफिनोन अगर मुझे बना के दिखाना है तो मैं प्रोपियोफिनोन भी बना के दिखा सकता हूँ, बहुत आसानी से बना सकता हूँ। कैसे, फिनोन के लिए मैंने ये कर दिया, और प्रोपियो मतलब मेरे तीन कार्बन, तो मेरा तीसरा कार्बन तो यही होगा, इसका मतलब ये वाला कार्बन हट जाएगा, दिस इज नथिंग बट प्रोपियोफिनोन। तो बेंजोफिनोन प्रोपियोफिनोन हम आराम से बना सकते थे। अब अगर हम आयुपैक नेम पर बात कर लें तो आईयूपीएसी नेम पर हम आसानी से डिस्कशन कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यही क्वेश्चन उठा लेता हूँ, तो मेरे पास कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर 2 ईन, और फर्स्ट पोजीशन पर सी एच ओ ग्रुप है तो अल लगा दूंगा, तो नाम क्या हो जाएगा मेरा इसका, पेंट 2 ईन अल। अगर मान लो इसका नाम देना है, लो जी देखे देखते हैं, इसका नाम बेंजीन लगाया, सी यू सी और सी, यही नाम था। तो अब ध्यान से देखो यार कि अगर मैं इसको इसका नोमेनक्लेचर देना चाहूँ तो मेरा यही पहला कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड, तो तीन कार्बन है, तो प्रोप एन वन ओन तो लिख दूंगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फिनाइल, कौन सी पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर, तो 1-phenyl-propane-1-ON। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर 2015 में आया था भाई, 2015 में एक नंबर का नोमेनक्लेचर ये पूछा गया था। जनरली कीटोन बीच में मिलता है, लेकिन अगर हम बेंजीन वाला कंपाउंड उठा लेते हैं, यानी कि अराइल प्लस एल्काइल, अगर हम ये कंपाउंड पिक कर लेते हैं तो हमें फर्स्ट पोजीशन पर भी कीटोन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगर मेरे पास एक कीटोन भी है और एक एल्डिहाइड भी है तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, मैं प्रायोरिटी दूंगा एल्डिहाइड को, कीटोन विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम वर्ड ऑक्सो। ये क्वेश्चन 2014 में आया था बेटा, ठीक है। अब इसका नाम देख लो कैसे बनाया गया है, इसने लिखा सी सी डबल बॉन्ड ओ सी और सी एच ओ, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन थर्ड पोजिशन पर क्या है, ऑक्सो, तो 3-oxo-pentanol, 3-oxo-pentanol। अगला नाम देखो भाई, हम नोमेनक्लेचर को इतना ही सीखेंगे क्योंकि पेपर में नोमेनक्लेचर 1 से 2 नंबर का आएगा, अल्टीमेटली अगर आएगा तो भी, वरना हो सकता है इससे भी कम का, 1 नंबर का आके रह जाए, तो इससे ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस पर। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, 2,4-dimethylpentane-3-ON, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तुम्हें, पेंटेन थ्री ऑन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। ये क्या कहता है, 2,4-dimethyl, 2 पे और 4 पे, डाइमिथाइल मतलब CH3, पेंटेन लिख दिया, 3 पे ओन, थर्ड पोजीशन पर ओन, दिस शुड बी माई स्ट्रक्चर, चेक कर लो यही स्ट्रक्चर है क्या, राइट। तो ये एक नोमेनक्लेचर का तरीका है एल्डिहाइड का और आपके कीटोन्स का। अब अगर मैं आपको कहूँ कि तुम मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाओ नंबर 1, इसका लिख के दिखाओ नंबर 2, इसका लिख के दिखाओ नंबर 3, ट्राई करो जिन पे मैंने टिक किया हमको, ट्राई करके देखिए बेटा। तो अगर तुमने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, इसमें गलती क्या करता है बच्चा, इसको बेंजीन समझ लेता है, ये बेंजीन है नहीं ये कंपाउंड, तो अगर तुम इस पे ट्राई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कार्बन है, तो थर्ड पोजीशन पर तो मिथाइल आएगा,
ये आपका साइक्लोहेक्सेन और ये आपका कार्बेल्डिहाइड। तो 3-methyl-1-cyclo-carbaldehyde ये बाहर जब रहता है ना सी एच ओ, जब आपके रिंग के बाहर रहेगा तो उसको कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो 3-methyl-cyclohexene-carbaldehyde इसका नाम हो जाएगा। और अगर अल्फा बीटा गामा की फॉर्मेशन में करोगे तो अल्फा बीटा गामा गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा अच्छा ये देखते हैं, थोड़ी सी और डेप्थ और डिटेल में अगर हम चीज़ों को सीखें तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त, हम ये कर सकते हैं कि मैं ये लिख दूं, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड, इसका क्या नाम होगा बेंजीन 1,2-dicarbaldehyde, राइट। अच्छा, इसका नाम फिनोल और इसका नाम क्या होगा 2-hydroxybenzaldehyde। ये हमने पढ़ा था कहाँ, सैलिसिलडिहाइड, पीछे भी आया था, पिछले चैप्टर में भी आया था। इस तरीके से हम आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी तो उसमें एक डाई आइसो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन भी दे रखा होगा, तो मैं ये सिखाता हूँ आपको और फिर उस क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करके देख लेंगे। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, इसका मतलब क्या है, कीटोन है, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा रखा है आइसोप्रोपाइल, दो बार लगा रखा है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होगा भाई, ये वाला आइसोप्रोपाइल है, 3 carbon होने चाहिए और 1 carbon 2 degree हो जाना चाहिए। देखो ये 2 degree, मतलब यहाँ तो 3 degree हो गया, जनरेशन 2 degree पे आ जाएगी, हमारे पास जनरेशन 2 degree पे आ जाएगी, इसको बोलेंगे बेटा। इसका स्ट्रक्चर भी इसने लिख के दिखा रखा है कैसे, CH3 की ट्वाइस CH CO CH CH3 की ट्वाइस, तो यही हमने किया है, CH3 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 CH3, दिस इज सेम स्ट्रक्चर। बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, दिस इज व्हाट, और इसका IUPAC नेम देना है तो वो भी दे सकते हैं हम। हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी, ये सब्सिट्यूएंट, तो आपका सेकंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर डाईमिथाइल आ जाएगा, पेंटेन 3-ओन। दिस इज हाउ द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड विल मूव अहेड। अब अगर हम IUPAC नेमिंग को अटैम्प्ट करना चाहें तो हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके देख सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे 3-hydroxybutanol, मैं ये करवाता हूँ बेटा, ब्यूटेनल मतलब 4 carbon, 1, 2, 3, 4 अल है, तो इस 4th carbon को आपको CHO मानना पड़ेगा, 3 पे हाइड्रोक्सी, तो 1, 2, 3 hydroxy, ये क्वेश्चन होगा। अगला है 4-oxopentanol, 5 carbon लगाओ भाई, 5वें कार्बन पर ही CHO और 4 पे ऑक्सो, 1, 2, 3, 4, 4 पे ऑक्सो मतलब कीटोन ग्रुप लग जाएगा। अब ये कहता है कि 4-fluoroacetophenone बनाना है आपको, ओके भाई बना के दिखाओ, 4-fluoroacetophenone। तो acetophenone क्या होता है, एसिड ग्रुप तो ये हो जाएगा आपका और फिनोन ग्रुप आपका ये हो गया, ये लो भाई एसिटोफिनोन, और 4 पे फ्लोरो, तो ये तो 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 ये आ गया, दिस इज़ योर 4-fluoroacetophenone। आगे बढ़ते हैं, ये हमने तीनों अटैम्प्ट करके देख लिए। एक है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई समस्या नहीं है, मिथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप, ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड मतलब 3 carbon का एल्डिहाइड है, और अल्फा फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है, तो यहाँ क्या लगा दोगे आप, OCH3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये लो जी ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट इज 2-hydroxycyclopentane-carbaldehyde, ये हमने पीछे किया था यार, साइक्लोपेंटेन बना लो, बना लिया, कार्बेल्डिहाइड लगा दो, लगा दिया, 2 पे हाइड्रोक्सी, तो ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है हाइड्रोक्सी, ये लो भैया 2-hydroxy। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन खुद से अटैम्प्ट करके देखना, मैंने डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन करके तुम्हें दिखाया था, तो ये आपका नॉमनक्लेचर यहाँ आके कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, कि हम इस यूनिट की 3 videos कवर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन प्लस नॉमनक्लेचर प्लस प्रिपरेशन, किसकी, एल्डिहाइड की और कीटोन की और फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और थर्ड वीडियो में हम एक्सप्लिसिटली बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड की हम थर्ड वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि इन तीन वीडियो से हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से कवर कर जाएं, इस यूनिट को प्रॉपर वे में हम कवर कर जाएं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा यार, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर तो होगा। तो ध्यान से देखो, एक सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तीन सिग्मा है मतलब sp, टू हाइब्रिडाइज, इसका मतलब कैसा स्ट्रक्चर हो गया, प्लेनर, हाँ या ना, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बन जाएगा, यही इसने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड ट्राइगोनल प्लेनर सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। और हमें क्या पता है इसके अंदर, और हमें ये चीज़ पता है कि जो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है वहाँ पर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे यहाँ लिखा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो सी सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव आकर ये इस तरीके से कुछ चीज़ें जनरेट हो जाएंगी, जिसके बेस पर हम सारा का सारा हमारा जो प्रोसेस है वो अटेम्प्ट करके देखेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन पर हम जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द मेन आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट, एंड दिस इज व्हाट, द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो पहले हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कलेक्टिव देखते हैं, ऐसी प्रोसेस जहाँ से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। तो पहला है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये हमने पिछली यूनिट में सीखा है, कैसे सीखा था, PCC की मदद से, CrO3 की मदद से, कॉपर 573 केल्विन, मेरी फेवरेट रिएक्शंस, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो में आप जाइए और आप यहाँ से ये चेकआउट कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल आपको कैसे मिलेगा, और बाय डीहाइड्रोजिनेशन, ये भी हम पीछे सीख के आए हैं, ये कॉपर वाला जो केस हमने पढ़ा था, ये दोनों चीज़ें हम सीख चुके हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, इससे आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल जाते हैं बेटा, एल्डिहाइड भी मिल जाता है और कीटोन भी मिल जाता है, दोनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी यहाँ पे। अब तीसरा है हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करने के लिए इसने जो प्रोसेस दिया है वो दिया है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपने उसकी रिएक्शन ओजोन से करवा दी फॉलोड बाय जिंक ZN से करवा दिया, तो होगा क्या, होगा ये कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे मिल जाएंगे और बाहर क्या चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसकी बीच में एक स्टेप बनती है, क्या कहता है वो उसको, ओजोनाइड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। क्या मिलेगा मुझे, ओजोनॉइड मिल जाएगा बेटा, बस एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास है दिस वन, ब्यूटवनीन है, और ब्यूटवनीन का मुझे ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक, ये मुझे करना है यार, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करना है, क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो, जहाँ डबल बॉन्ड है मैं उसको ब्रेक करूँगा, उसको ब्रेक करके इस कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दूंगा और इस कार्बन को, तो यानी कि 1, 2, 3 ये डबल बॉन्ड प्लस सिंगल आएगा, तो यहाँ पे आ गए मेरे हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, दैट सेड व्हाट कि आई गॉट प्रोपेनल प्लस, यहाँ से ये क्या मिल गया मुझे, फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो चाहे मिथेनल बोल दो, बात तो एक ही है, एक ही कार्बन एटम के लिए। तो अब अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है तो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास ब्यूट टू ईन है तो ब्यूट टू ईन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपनी कॉपी में ट्राई करके देखो भाई फटाफट, एक मिनट है तुम्हारे पास, विद इन वन मिनट ट्राई दिस क्वेश्चन कि ब्यूट टू ईन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। ब्यूट टू ईन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आई होप कि आपने बना लिया होगा स्ट्रक्चर, दिस इज योर ब्यूट टू ईन, तोड़ दो, ओजोनोलिसिस, जिंक, मतलब दो स्टेप होती हैं, ओजोनाइड बनता है, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस इसी को ही रिपीट करना होगा, ये लो भैया, यानी कि मुझे एसिटल्डिहाइड मिल जाएंगे, कितने मोल, 2 मोल, इथेनल, दो कार्बन के लिए एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO ग्रुप के लिए अल, तो इथेनल मिल जाएगा मुझे, तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। तो ओजोनोलिसिस को मैं समझ चुका हूँ, ओजोनोलिसिस को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ।
तो मेरी ये तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन डन है, ये दोनों मैंने 11th चैप्टर के अंदर सीखी है, मेरी पिछली वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं स्कूल के चैनल पे जाके आर्यंस मॉडल स्कूल के डिजिटल कंटेंट पे ये वीडियो अवेलेबल है। और उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ये हमने यहाँ सीख लिया है। अगला क्या कहता है, अगला कहता है फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, अल्काइन के हाइड्रेशन से 11th में आई थी, अच्छी रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट आता है, टॉटोमेरिज्म के कंसेप्ट के अंदर, और अकेली ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर H2SO4 और HgSO4 यानी कि H पॉजिटिव आयन और Hg2 पॉजिटिव आयन का कंसेप्ट लेके आएगा। वो क्या कहता है, वो बहुत बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपके पास इथाइन है और आपने इथाइन की रिएक्शन करवा दी Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव के साथ, राइट, केवल इतना सा काम कर दिया, उसमें एडिशन कर दिया किसका, वाटर का, तो मार्कोनिकोव रूल लगा दो यार, पहले मार्कोनिकोव रूल लगाओगे तो CH डबल बॉन्ड CH OH और H ये आ जाएगा। अब यहाँ कर दो आप टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाना, शिफ्ट किस तरीके से होंगी चीज़ें, ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर और ये जो हाइड्रोजन ये जाएगा इसके पास, इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, दिस इज माई कंपाउंड दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो अगर मैं इथाइन लूँगा और इथाइन से मेरे को बोले कि भैया एसिटाल्डिहाइड बनाओ, तो मुझे केवल ये स्टेप ध्यान होनी चाहिए कि H2SO4 की प्रेजेंस में यानी कि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जब मैं मर्क्यूरिक आयन Hg2 पॉजिटिव आयन लूँगा और मार्कोनिकोव जरूर लगा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इससे कीटोन भी बना सकते हैं, इससे हम कीटोन भी बना सकते हैं। आप कहोगे सर कीटोन बना के दिखाओ, बिल्कुल बना के दिखाते हैं बेटा। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए बनाने के लिए। लेट्स से मैंने ले लिया दिस वन, ओके, मैंने ले लिया है ब्यूट टू आइन, नाउ लेट्स ट्रीट इट विद वाटर, किस क्या क्या कंडीशन है, एच पॉजिटिव रहेगा और Hg2 पॉजिटिव रहेगा, वाटर रहेगा और कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, तो मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे कहीं भी लगा लो सस्टेन हो जाएगी मेरे पास चीज़ें। सी राइट, यहाँ पर OH ले लेता हूँ, यहाँ पर H ले लेता हूँ, अब क्या करना है, अब टॉटोमेरिज्म करना है। टॉटोमेरिज्म क्या कहेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास भेज दो, 1-3 डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ माइग्रेशन ऑफ आयंस, डबल बॉन्ड सिंगल H और यहाँ CH3 एज इट इज़। ध्यान से देखो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है ब्यूट एन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन आपने प्रिपेयर कर लिया है, चेक दिस आउट। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप अपनी कॉपी में प्रोपाइन का हाइड्रेशन करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे आप एल्डिहाइड भी बना सकते थे और कीटोन भी बना सकते थे। अगर कोई पॉइंट या बोर्ड पे जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ बेटा राइट अप फॉर्म में, अगर वो आपको लिखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें केवल एल्डिहाइड बनाने हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, केवल एल्डिहाइड बनाएंगे। और अब यहाँ से जो चीज़ बताऊँगा वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताऊँगा तुमको, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, तीन बार ये क्वेश्चन आया है, दो बार ये क्वेश्चन आया है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मिथाइल बेंजीन के साथ। अगले पेज पे, इस पेज से कोई क्वेश्चन नहीं है, इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे अगले पेज से जो अगला जो पेज आएगा उस अगले पेज से क्वेश्चन आएगा बच्चा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटार्ड रिएक्शन आएगी ही आएगी पेपर में, 100% में से रिएक्शन होती है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी जब CBSE के दिल में ख्याल आता है तब वो ये रिएक्शन दे देता है पूछने के लिए, तो ये रिएक्शन हमको अभी सीखनी है, ठीक है। अभी तो इसको पढ़ना ही नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, जब आएगा तब देखेंगे। और उसके बाद फिर हमको प्रिपरेशन पढ़नी है कीटोन्स की, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ज़्यादा नहीं है, आसान आसान है, छोटी छोटी है, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखेंगे और ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखेंगे हम, एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ही है बस, यहाँ तक पढ़ेंगे। और जो अगला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे वो रहेगा 12.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अगली वीडियो के अंदर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट doing the things with your preparation of aldehyde. तो preparation of aldehyde में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा Rosenmund reduction. Rosenmund reduction एक name reaction है, paper में name reaction minimum 2 number की maximum 4 number की आती ही आती हैं, हर साल आती हैं। तो ये name reaction है, जैसे हमने Kolbe's reaction
जैसे हमने रायमंड टाइमन रिएक्शन, जैसे हमने स्वार्ट्स रिएक्शन, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन पढ़ी थी। उसी तरीके से रोजनमंड रिडक्शन है। क्या कहता है रोजनमंड रिडक्शन? सिंपल रिएक्शन है बेटा। पहले बनाया हमने एक बेंजीन का गबेरा और उस पर लगा दिया COCl यानी कि बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कर दी हमने, रिडक्शन करना है H2 के साथ, तो मुझे तो पता चल गया HCl बाहर हो जाएगा और H जाके ज्वाइन अप हो जाएगा। ये लो भैया ज्वाइन अप कर दिया, ऑक्सीजन भी ले लिया, यानी कि बेंजाल्डिहाइड तो बन चुका है बेंजाल्डिहाइड। लेकिन कंडीशन क्या होती है किसी भी रिएक्शन को जब हम याद करते हैं नेम रिएक्शन को, तो उसकी कंडीशन जरूर ध्यान रखनी पड़ती है कि रिएजेंट में लिया क्या था। यहाँ पे हमने लिया था PD को BASO4 के साथ, PD को BASO4 के साथ, मतलब कि मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, मैंने रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट करवा दी है, और रिएक्शन जो मैंने करवाई है रिडक्शन की, उसमें मैंने पैलेडियम PD और H2 तो लिया ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ले लिया बेरियम का सल्फेट। PdBASO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जब बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट होगा तो वो आपको देगा बेंजाल्डिहाइड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। वापस से देखो इस रिएक्शन को, फिर से पढ़ के देखो ताकि डाउट क्लियर हो। फटाफट देखो शाबाश, क्या कहती है रोजनमंड रिडक्शन, अभी याद हो जानी चाहिए ये। रोजनमंड रिडक्शन ये कहता है मेरे को कि अगर मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड दिख रहा है, अगर मैं उसका रिडक्शन कर देता हूं, मतलब उसमें मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, कैटलिस्ट कौन लिया? पैलेडियम। और किस पर लिया वो कैटलिस्ट? बेरियम सल्फेट के सरफेस पर। बेरियम सल्फेट के सरफेस पर मैंने पैलेडियम ले लिया और मैंने हाइड्रोजन गैस डाल दी, और अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो मुझे मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। दिस इज माय कंसेप्ट, ठीक है। ये पहली रिएक्शन थी, तीन बार पेपर में आ चुकी है भाई, तीन बार। अब अगली जो रिएक्शन है वो है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन ये किसके लिए यूज करते हैं हम? ये रिएक्शन हम यूज करते हैं साइनाइड के कंपाउंड, नाइट्राइल्स बोल दो चाहे साइनाइड के कंपाउंड बोल दो, उनके लिए, या कुछ हद तक एस्टर के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एस्टर के लिए कैसे करते हैं वो जब हम देखेंगे तब सीख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टीफन रिडक्शन की, तो स्टीफन रिडक्शन में क्या करोगे आप लोगे आर सी एन और उसकी रिएक्शन आप SnCl2+HCl से करा दोगे। SnCl2HCl से कराते ही SnCl और SnCl2+HCl से कराते ही वो रिडक्शन करेगा और आपको मिलेगा RC(NH) यहाँ पर, H यहाँ पर, इस तरीके का एक कंपाउंड। और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इसकी जगह तो ऑक्सीजन आ जाएगा और ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ निकल जाएंगे। आपको क्या मिलेगा? RC(OH)+ दो नाइट्रोजन निकल गए, दो हाइड्रोजन निकल गए नाइट्रोजन के साथ NH3। दैट सेड व्हाट यू विल गेट LDHyde+ अमोनिया गैस आउट फ्रॉम द रिएक्शन। डाइबल, ये हमारे पास स्टीफन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और ये सेलेक्टिवली रिड्यूस नहीं करता है चीज़ों को। अगर हमें सेलेक्टिव रिडक्शन करवाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम डाइबल एच का यूज कर सकते हैं। डाइबल एच क्या होता है बेटा? डाइबल एच होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखो ध्यान से, RCN यहाँ था, SnCl2HCl लिया तो स्टीफन, SnCl2HCl ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाइबल एच ले लेता हूँ, ये लिखने की जगह मैं डाइबल एच भी लिख सकता हूँ, डाइबल एच अगर मैं ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? RCN के साथ RCHO। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि ये केवल साइनाइड पर अटैक करेगा। अगर मान लो किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा। मतलब ये कि अगर मुझे ये कह दे कि तुम्हारे पास भाई ये कंपाउंड है और तुम्हें ये बनाना है तो ये कंपाउंड इसमें तभी कन्वर्ट हो सकता है जब मैं यहां क्या लिख दूं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। और अगर मैं एस्टर की रिएक्शन करवा देता हूं, एस्टर की, तब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट, नीट में आया था ये क्वेश्चन, नीट में आया था, IIT के अंदर भी एक बार पूछा गया है, ऑप्शन के अंदर था, IIT JEE के अंदर भी। तो अगर मेरे पास एस्टर है जैसे RCOOR, तो ये क्या काम करेगा? ये जो OR है ना, OR,
ओ आर इसकी जगह पर एच कर देगा बस, बाकी सब कुछ सेम रखेगा। ओ आर की जगह पर क्या कर देगा, एच कर देगा। फिर से देख लो, ये हमारा आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये आर डैश। तो ये ओ आर डैश जो है इसकी जगह पर क्या कर देगा, सीधा एच कर देगा, रिडक्शन कर देगा। और ये बाहर होकर क्या निकाल देगा, C2H5OH, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C2H5OH रिमूव हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हमने तीन रिएक्शन सीखी है, फटाफट से इसको रिकॉल कर लो। सबसे पहली रिएक्शन में हमने क्या किया, हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने कर दी किसके साथ, हमने बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कर दी H2PD+BaSO4 के साथ। H2PD+BaSO4 के साथ जैसे ही हमने रिएक्शन करी है तो हमें क्या मिल गया, बेंजाल्डिहाइड मिल गया। सेकंड हमने करी स्टीफन्स रिडक्शन, जिसमें कंसेप्ट क्या रखा, RCN के रिएक्शन SnCl2+HCl के साथ करके देखी है और उसके हमने एल्डिहाइड बनाया। एल्डिहाइड को हम अगर सेलेक्टिवली बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम उस डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना चाहते, तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे, तो डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा वो, केवल और केवल साइनाइड पर अटैक करेगा। और अगर हम एस्टर ले लेते हैं तो एस्टर से भी RCOOR एस्टर से भी आप एल्डिहाइड जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाया जा सकता है, केवल एक ही रिएक्शन सिखाऊंगा मेन, उसके बाद दूसरी रिएक्शन पे बात करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये स्टेप काट देना, ये स्टेप नहीं याद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये स्टेप भी नहीं याद करेंगे, ये रिएक्शन याद नहीं करेंगे, छोड़ो इस रिएक्शन को। केवल एक रिएक्शन ये याद करेंगे जिसका नाम है इटार्ड। पेपर में डायरेक्ट आती है, व्हाट डू यू मीन बाय इटार्ड रिएक्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कन्वर्ट टॉलिन इनटू बेंजाल्डिहाइड। तीसरा, व्हाट विल हैपन व्हेन CrO2Cl2 ट्रीटेड विद टॉलिन। ये तीन क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो हम कैसे याद करेंगे इसको, देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है। टॉलिन क्या होता है, मिथाइल बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन बन गया, इसकी रिएक्शन कराओ CrO2Cl2 से और अल्टीमेटली क्या बना के लिख दो, बेंजाल्डिहाइड। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी कि एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट, ये रिएक्शन हम कैसे मूव फॉरवर्ड करवाते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। ओके, तो इटार्ड रिएक्शन यहाँ हमारी कंप्लीट, हमें केवल यही रिएक्शन सीखनी है यहाँ पे। और अगर मुझे साइड चेन क्लोरीनेशन करना है, साइड चेन क्लोरीनेशन, तो मैं उसके बाद भी हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड बना सकता हूँ। कैसे, ये काम मैं कर सकता हूँ, किसकी मदद से, ये काम मैं कर सकता हूँ मेरा, जैसे मैंने RTR रिएक्शन की थी, राइमर टाइमन रिएक्शन, उस तरीके से। कैसे किया था मैंने, याद करो, मैं ले लूँगा क्या, टॉलिन, टॉलिन की रिएक्शन मैंने करवा दी Cl2H3 से। H3 का मतलब क्या हो गया, कि ये क्लोरीन कहाँ जाके जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कार्बन चेन पर, ये जो कार्बन की चेन है बाहर रिंग के, इस पर। तो ये आ गया मेरे पास CH और दो बार करवाए तो ClCl, टू टाइम्स करवा देता हूँ, टू टाइम्स। जैसे ही यहाँ करवा दूंगा तो मुझे ये मिल चुका है। अब क्या होगा बेटा, अब मैं यहाँ पे वाटर से ट्रीट करवा देता हूँ, दो वाटर मॉलिक्यूल, माइनस ऑफ टू HCl हो जाएगा और मुझे मिलेंगे CH OH OH। एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक प्लेस एंड वी विल गेट व्हाट, बेंजीन पर CHO, दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड। दिस इज द रिएक्शन। ये पेपर में कम आती है पर फिर भी हमें पढ़नी है, एक आध बार पूछ लेता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या कहती है और कैसे होती है, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। तो गेटरमैन कोच क्या कहता है, कि भैया आपने बेंजीन लिया और आप इसको COHCl से ट्रीट करवा दो, बाहर कर दो HCl, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ये रिएक्शन बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, बिल्कुल याद नहीं करनी है, ये बिल्कुल ऐसे याद नहीं करनी है कि आपके पास कार्बन का मोनोऑक्साइड था और कार्बन के मोनोऑक्साइड की रिएक्शन आपने किससे करवा दी, आपने बेंजीन से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि बेंजीन जो है उससे आपको बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, जब आप COHCl से रिएक्शन करवाते हो। ये रिएक्शन याद नहीं करनी है, क्या याद नहीं करना है, कि बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड लेने के लिए मैंने केवल CO और HCl से ट्रीट करवाया है। और इस रिएक्शन का नाम तो बिल्कुल याद नहीं रखना है, क्या नाम होता है इसका, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये आसान सी रिएक्शन थी बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब हमारे हमारी जो वीडियो है वो यहाँ से केवल 10 मिनट की और बचती है बस। तो हमारे पास पॉइंट है कीटोन, व्हाट इज कीटोन, कीटोन क्या होता है। कीटोन होता है हमारे पास इधर भी आर ग्रुप इधर भी आर ग्रुप, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है केवल इसकी। तो कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन करने का तरीका इसने दिया कि आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CDCl2 से करवा दो, तो R2CD मिल जाएगा। और फिर आप एक एसिड का क्लोराइड ले लो और उसकी रिएक्शन इस R2CD से करके CDCl2 को बाहर कर दो। सर ये क्या है, ये आसान सी चीज़ है यार, देखो CH3MgBr, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी इसने CDCl2 से। कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि मुझे मिल जाएगा R2CD, CH3 की ट्वाइस CD, ये मिल गया। अब इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है एक एसिड क्लोराइड के साथ, लो जी इससे करवा देता हूँ, प्लस CH3 की ट्वाइस CD, इसके 2 मॉलिक्यूल, ये CDCl2 बाहर और ये इसके साथ ज्वाइन अप हो जाएगा, 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन मिल चुका है बेटा। आप इससे कुछ भी बना सकते हो, आप इससे एसीटोन बना लो, आप इससे ब्यूटेन 2-ओन बना लो, आप इससे पेंटेन 3-ओन बना लो, इस तरीके से। तो डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन है ये, कई बार आती है कई बार नहीं भी आती है। अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बना सकते हैं, अभी हमने सीखा है लेकिन और अच्छे तरीके से सीखते हैं इसको ग्रिगनार्ड की मदद से। ग्रिगनार्ड को याद करो मैंने क्या कहा था शुरुआत में जब पिछली वीडियो बनाई थी, तो ये कहा था कि ये रामबाण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रामबाण है ये। तो अगर मुझे फ्रॉम नाइट्राइल से बनाना है तो कैसे बनाऊंगा यार, देखो ध्यान से। नाइट्राइल से बनाने के लिए मैंने ले लिया RCN और मैंने ले लिया RMgX, अब ज्वाइन करवा दो यार, RCR डबल बॉन्ड NMgX, राइट। और अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब मुझे पता है ये डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूटते यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O R प्लस बाहर क्या हो जाएगा, NH2MgX। ये देखो ये कीटोन आ चुका है आपके पास, इसने यहाँ भी ये देखो कीटोन ही बना रखा है, दिस इज द पॉइंट। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। आगे देखें बेटा, तो फ्रॉम सब्सटीट्यूटेड बेंजीन तो हम पीछे सीख के भी आए हैं। अगर मेरे पास बेंजीन और बेंजीन की रिएक्शन, मैंने बेंजीन की रिएक्शन RCOCl मतलब कि मेरे एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से करवा दी, तो मेरे को एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन आसानी से मिल जाएगा। कैसे, ये 11th में भी थी रिएक्शन, बेंजीन प्लस CH3COCl, फ्रिडलग्राफ रिएक्शन है ये, एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होती है ये रिएक्शन। और अब क्या होगा, यहाँ से Cl गायब और यहाँ से H गायब, क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या बताया था, इसको एसीटो इसको फिनोन, तो एसीटो फिनोन। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे बेंजोफिनोन बना के दिखाओ, किससे, बेंजीन से, तो बेंजीन से बेंजोफिनोन बना भी आसान है बेटा, टेक दिस बेंजीन और उसकी रिएक्शन किससे करा दो, बेंजीन COCl बेंजोइल क्लोराइड से, यहाँ से H हटेगा यहाँ से Cl हटेगा, क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट योर बेंजोफिनोन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ आके हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया, फारिक, डन, फिनिश, वैनिश, कुछ भी कह लो। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं बेटा, हम ट्राई करते हैं कि हम ये सारा क्वेश्चन और ये सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए, ठीक है। सबसे पहले कि ये कह रहा है कि रिएजेंट, और ये क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है भाई, 2015-2016 दोनों साल आया था, अलग अलग पार्ट अलग अलग सेट के अंदर पूछे गए थे। तो हम शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये कहता है कि भाई हेक्सेनोल से हेक्सेनल बनाओ, हेक्सेनोल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोल से हेक्सेनल
वन या मैं 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। तो ध्यान से देखो यार, अल्कोहल से मेरे को क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो आसानी से, बहुत आसानी से, 1 डिग्री है, 1 डिग्री के लिए मुझे कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। याद करो मैंने क्या बताया था, पीसीसी का यूज कर सकते हो, पीसीसी, CrO3 का भी कर सकते थे, पीसीसी का कर लो चाहे CrO3 का कर लो, बहुत आसानी से बन जाएगा बेटा, डन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है। ओके भैया, 2 डिग्री है, ये बनाना है, आसानी से बना सकते हो। कैसे करना है, इस पर कोई इफेक्ट ना आए तो CrO3 से ट्रीट करवा दो। जब भी मेरे को एल्डिहाइड से कीटोन बनाना, सॉरी अल्कोहल से मेरे को कीटोन बनाना हो, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प किसके ले सकता हूँ, CrO3 के ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है पैराफ्लोरोटोलिन, बेंजीन का कोई कंपाउंड दे रहा है, या पैराफ्लोरोटोलिन से, टोलिन तो ये रहा और पैरा पे फ्लोरो, से मुझे बनाना है पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड, वही वापस से CrO3 से ट्रीट करवा दो, डायरेक्ट खेल खत्म। अगला सवाल है इथेन नाइट्राइल से इथेनल, इथेन नाइट्राइल मतलब CH3CN से मेरे को CH3CHO बनाना है, ये तो हमने आज ही पढ़ा है। मुझे अगर नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है तो दो रिएक्शन थी, एक तो थी मेरी स्टीफन रिडक्शन और दूसरा क्या था, डाइबल एच, दोनों में से जो तुम्हारा मन करे वो यूज कर देना, उससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एलाइल एल्कोहल से प्रोपीनल, ओके एलाइल एल्कोहल आया, नया वर्ड आया, पीछे हम सीख के आए 10th चैप्टर में भी, 11th चैप्टर में भी, एलाइल का कंसेप्ट ये, और इससे बनाना क्या है, प्रोप इन अल, ये लो जी, प्रॉप टू इनल आना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये बनाना है। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, सॉरी अल मैं ये लिख देता हूँ, मिस्टेक, बाय मिस्टेक ये लिखा मैंने, ए ये लो भैया, ये 1 ये 2 ये 3 राइट। अब ध्यान से देखो यार कि मेरे पास अल्कोहल है 1 डिग्री, मुझसे एल्डिहाइड बन गया, लेकिन डबल बॉन्ड को चेंज नहीं किया। 12th चैप्टर के अंदर ये चीज आई है, जबकि कंसेप्ट 11th चैप्टर में ही आ चुका था, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, अल्कोहल्स की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली। तो यहां पे कंसेप्ट क्या काम करेगा कि डबल बॉन्ड नहीं जाना चाहिए और अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मेरा एल्डिहाइड के अंदर। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे को पीसीसी लेना है, पीसीसी ले लूंगा तो सेलेक्टिवली वो केवल और केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा अल्कोहल को, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट इज ब्यूटूइन से इथेनल बनाने मॉलिक्यूल, ये हमने किया ही था यार अभी, इससे क्या बनाना है, इससे ये बनाना है। कैसे बनेगा, आराम से ओजोनोलिसिस कर दो, हो जाएगा सॉल्व कंप्लीट भाई। अब देखते हैं सेकंड लास्ट पार्ट इस वीडियो का, और वो सेकंड लास्ट पार्ट क्या कहता है, लेट्स सी, वो सेकंड लास्ट पार्ट कहता है कि आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट करना है यार, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, OCOCH2H5 आ जाएगा। प्रोडक्ट देखो, बेंजीन बना, सी डबल बॉन्ड ओ, C2H5 खत्म। अगला क्वेश्चन CD का क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, ये रहा R2CD। तो देखो ध्यान से, ये R2CD और इसकी इसके साथ रिएक्शन, CDCl2 बाहर, अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं यार, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 और बेंजीन की रिंग, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज दिस HG2 पॉजिटिव H2SO4 प्रोपाइन के साथ अभी पढ़ के आते थे, क्या रिएक्शन आती है, कौन सा मैकेनिज्म चलता है, टोटोमेरिज्म के हिसाब से हो जाएगा। कंप्लीट कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, तुम्हारे पास आंसर तुम्हारा आना चाहिए और तुम्हारा आंसर एसीटोन आएगा। दिस इज द रिएक्शन CrO2Cl2, कहा था मैंने कुछ मत करो, केवल CH3 को किसमें कन्वर्ट कर दो, CHO में बाकी चीज एज इट इज पड़ी रहने दो। कौन सी रिएक्शन है ये, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, इटार्ड रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमने ये सारी चीजें सीख ली है बेटा, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट बट श्योरली नॉट द लीस्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टी, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है बेटा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हमें जो बेसिकली बात करनी है वो बॉइलिंग पॉइंट की करनी है। अगर मेरे पास कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज होंगे, मतलब लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मासेज हैं, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेरे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, मेरा एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, फिर मेरे पास ईथर आ जाता है, फिर मेरे पास एल्डिहाइड,
फिर मेरे पास कीटोन और फिर मेरे पास एल्कोहल, ये मेरा ट्रेंड रहता है। इसका सबसे ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड और कीटोन आसानी से पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं और मॉलिकुलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है। अगली वीडियो की स्टार्टिंग ही यहाँ से करेंगे दैट वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब तक पिछले 20 सालों में कोई 6 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हमें इस कंसेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट तुम खुद करके देखो, मैं केवल रीड आउट कर देता हूँ तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन, तुम अटेम्प्ट खुद करके देखना इस क्वेश्चन को कि तुम्हें दे रखा है ब्यूटेनल, तुम्हें दे रखा है ब्यूटेनॉल, तुम्हें दे रखा है इथॉक्सी इथेन और तुम्हें दे रखा है ब्यूटेन। और तुमसे क्या पूछ रहा है वो, तुमसे ये पूछ रहा है कि भैया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगा दो। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, ये चेक करना है। सबसे कम होगा एल्केन का। एल्केन का क्यों सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन है ही नहीं, डाइपोल्स तो बन ही नहीं रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा एल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, एच बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है। उसके कम उसके बीच में क्या, सबसे कम एल्केन का, उससे ज़्यादा ईथर का, उससे ज़्यादा एल्डिहाइड का और सबसे ज़्यादा एल्कोहल का। दिस विल बी योर आंसर। लेकिन कब, जब मेरे पास मास कैसे हैं, कंपेरेबल। अगर मेरे कंपेरेबल मतलब लगभग बराबर बराबर मास है, अगर मास में कम ज़्यादा का फर्क होगा तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप ही बढ़ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिए, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। तुम्हारे पास एक एसिटल्डिहाइड है, एक इथेनॉल है, एक डाई मिथाइल ईथर है और एक प्रोपेन है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन, इसको तुम आसानी से अटैम्प्ट करके देख सकते हो। अगली वीडियो की शुरुआत यहाँ से होगी जहाँ हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे इतने पेज से, और जो अगला पेज है, अगला पेज, ये पेज और ये पेज, तबाही तबाही वीडियो आएगी अगली वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पेज पे आएंगे। पेज नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चार पेजेस से यहाँ तक कम से कम अब तक पिछले 20 सालों में कम से कम कोई 70 नंबर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। कभी 2 नंबर का कोई सवाल आ गया, कभी 3 नंबर का कोई सवाल आ गया, कभी 5 नंबर का, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पेपर में आया हुआ है, ठीक है। पिछले 17-18 सालों में 20 सालों में लगभग 70 नंबर का काम यहाँ से आ चुका है, ठीक है। और फिर रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगली वीडियो इस यूनिट की जान है भाई। कैनिज़ारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये देता नहीं है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, दिस दैट वीडियो शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखना इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए, ओके। और यहाँ पर हमने क्या सीख लिया है, मैं फटाफट से कंक्लूड कर देता हूँ। वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। वी हैव स्टडीड अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फॉलोड बाय द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, देन स्पेसिफिकली एल्डिहाइड, स्पेसिफिकली कीटोन, देन वी मूव टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। Now in the next video we are going to discuss the most important article of the unit and that is chemical property or chemical reactions of aldehyde and ketone. ठीक है, so this is your chemistry वाले sir saying tata bye bye for this time. अगली video में मिलते हैं बेटा, तब तक अच्छे से पढ़ो इस chapter की, अच्छे से practice करो, important chapter है, 6-7 number का आएगा final paper में, और अपने किसी known को ज़रूर forward करना ताकि उसकी मदद हो सके organic को समझने में, करने में, क्योंकि ऑर्गेनिक लिटरली बिल्कुल आसान सब्जेक्ट होता है। थैंक यू सो मच बच्चा।